इस वक्त हमारे साथ कुछ महिला मतदाता मौजूद हैं जिनसे बात कर लेते हैं। आज उपचुनाव है और आप मतदान कर रही हैं, क्या कहेंगी, किस मुद्दे पर आप वोट कर रही हैं? अब हम इस मुद्दे पे कहेंगे वो जीजा में जिसको डाला जीजा बेचारे पर हमारा कौन जीजा कैसे विधायक चाहिए है? अच्छा विधायक हो गए अच्छा क्या कहेंगे? अच्छे ही कहेंगे, मतलब जो हमारा जिसे हमने चुना है वो हमारा साथ दे, हमारा काम बनाए जिसलिए हमने डाला। क्या कहेंगे, किस मुद्दे पर आप वोट कर रहे हैं? मतलब किस मुद्दे पर आप वोट कर रहे हैं, क्या क्या समस्या है आपकी, कुछ तो सोचकर आपने अपना विचार है क्या है? हमने इसलिए वोट डाला, मतलब जो हमारा विधायक बने वो अच्छा ही हो, हमारे सारा काम करे। क्या कहेंगे, आपने किस मुद्दे पर वोट किया है? आप एक युवा गर्ल है, क्या कहेंगे किस मुद्दे पर वोट किया? मैंने तो इस मुद्दे पे किया कि मतलब जो लड़कियां हैं, गरीब लड़कियां पढ़ नहीं पाती है, लड़कियों का साथ दे, लड़कियों को पढ़ाए, मतलब उनको स्कॉलरशिप वगैरह में भी मदद करे ताकि वो आगे पढ़ पाएँ और मतलब यहाँ का विकास करे, पढ़ाई लिखाई में यहाँ इस जगह को अच्छी जगह पे मतलब वो करे। अच्छा, आपने लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम तो आपने किया ही है, सुबह सुबह मतदान करके आपने लोकतंत्र को मजबूत बनाने की शुरुआत कर दी है, तो आपने किस मुद्दे पर वोट किया, क्या क्या और समस्या है? क्या यही है, होने ही अच्छे ही चाहिए बस। कैसा विधायक चाहिए आपको? सच्चा, ईमानदार और अच्छा, सही। ये थे हमारे साथ महिला मतदाताओं जिनका कहना है कि विकास के नाम पर वो वोट कर रही हैं और एक उनको ईमानदार और विकास के नाम पर हमारा साथ देने वाला हमें विधायक चाहिए। मेरे सहयोगी के साथ मैं अंजू प्रजापति, जनता और सत्ता, रामपुर।